हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल। जैसा कि आप जानते हैं, स्पाइडरमैन का हैंड आपको हर जगह लेकर चले जाएगा। यह है लाहौर का एक बेहतरीन सा रोड। इस रोड का नाम है आई थिंक जीटी रोड। यह आपको मैं लेकर जा रहा हूँ चिड़ियाघर साइड पर, और आपको मैं चिड़ियाघर के बारे में बताऊँगा आज लाहौर का चिड़ियाघर कब कैसे बना। यार लाहौर का चिड़ियाघर तो बहुत खूबसूरत है। लाहौर आप ख़ुद भी रोड बाय रोड और चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना साफ़ सुथरा है। चलो 100 रुपये का टिकट वेस्ट हुआ, 100 रुपये में आपको ये सारी बेहतरीन चीज़ें घूमने को मिलेंगी। एंड टाइम था, मगरिब का वक्त था, तो ओहो हो आप देख सकते हैं ये हैं दो शेर और ये लॉइन है। चिड़ियाघर है और शेरों ने आपका इस्तकबाल नहीं किया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। चलो शेरों ने इस्तकबाल कर दिया, वेलकम कह दिया, वेलकम इन आवर ज़ू। अब मैं आपको लेकर जाऊंगा जैपनी हर्ट, जो कि मैं नीचे तक गुजर चुका हूं, और यह है लव पॉइंट। आप इस गंदे पानी के लव पॉइंट पर खड़े होंगे, जो विश मांगेंगे वो जल्द से जल्द पूरी होगी। ये लंबे लंबे एकेरिक्स के पौधे हैं, दरख्त हैं, ये साउथ एशिया में ही होते हैं, इन्होंने यहाँ पर मंगवाए हैं तभी बेचारे जल गए। ये हैं बंदर, ये मेरे जैसे लोग हैं जो उल्टी पुल्टी हरकतें करते रहते हैं। ओहो ये बहुत प्यारे खुश्की वाले कछुए हैं जो कि कराची से ये लोग लेकर आए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं पीछे हरियाली बहुत अच्छी है। ओफ़ आपको एक और चीज़ मिस नहीं करनी चाहिए, यह है द रिवर हॉर्स, जो कि मैंने 3 और 4 क्लास में इसका लेसन पढ़ा था। ये एक लिरिक्स लगे हुए हैं कि आपको बताएंगे कि आपने कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा सकते हैं चिड़ियाघर पड़ा है। इस घोड़े के ऊपर बैठ कर आप पाकिस्तान विजिट करना मत भूलिएगा। अदरवाइज़ ये पिकॉक हैं, हम लोगों के गांव में भी मौजूद हैं। पिकॉक तो बहुत फेवरेट हैं हर किसी के। ये सरकारी सांड, जो लोग गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो अपना हशर सोच लें, वो ऐसे हो जाएंगे सरकारी सांड। प्राइवेट जॉब को तक खाओ और खूब इंजॉय करो। चलो उसके बाद ये पैरट है, ये पैरट मेरे घर पे मौजूद है एक, लेकिन सोच रहा हूँ काश एक यहाँ से मिल जाए, उसे भी घर ले जाऊँ। अदरवाइज़ आपको बताता चलूँ, इन लोगों ने बहुत अच्छे से सफाई सुथराई का ख्याल रखा है। नीट एंड क्लीन के मामले में लाहौर जो है, पूरा पंजाब लाहौर बहुत साफ़ सुथरा है। अब मैं आपको और चीज़ों के बारे में बताता, और चीज़ों में कुछ यूँ था कि ये थे छोटे छोटे हिरन के बच्चे और बहुत प्यारे लग रहे थे। और एक और बात बताने चलता हूँ आपको मैं कि हिरन ने एक न्यू बॉर्न बेबी भी दिया था। ये देखो छोटा सा, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये है हमारी हवेलियों की जंगली कबूतर, जिनको इन्होंने ताश बना के यहाँ का बादशाह बना दिया। अरे ये तो तोता मेरी पोपो का है, ये तोता भी यहाँ पर आ चुका है। ये इन्होंने काली मुर्गी का गोश्त बहुत मशहूर है तो यहाँ पर कैद की हुई है, इसको तो मैं ही खाऊंगा। ये हैं जंगली बदमानस बकरियाँ, ये बहुत बड़े बड़े सींगों की मालकिन है। और ये वाइट तोते सबके फेवरेट लव बर्ड, मेरे बहुत फेवरेट हैं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं और अच्छा एंटरटेन करते हैं। बस ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग था, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ना लगे तो फिर भी लाइक और शेयर। और यहाँ पर इन्होंने तोते परिंदे और बहुत सारी चीज़ों का एंटरटेनमेंट प्लेस बनाया हुआ था। बस यही था, ही हाथी वाले बाबू ने बच्चों को बिठाना है और सूर्यवंश मूवी की तरह करना है। एक काली बिल्ली जो कि मैं आपको दिखाना भूल गया, वो ये थी, बच के रहना इससे। बाकी एक पिंजरा खाली था, मेरी तो रिकमेंडेशन है जो लोग यहाँ पर नहीं आते उनको कैद कर देना चाहिए। अल्लाह हाफिज़ बाय।